तुम दोनों को मेरे हाथों हार का सामना करना ही पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। परी बहन तो डूबेगी खुद को भी और साथ में ले डूबेगी कुछ गरीब को भी। किसी सुरक्षित स्थान पर भाई, जब जान ही नहीं रहेगी तो कैसे बनूंगा मैं प्रधानमंत्री। मर गया कमबख्त। हे परी, खुद तो मुझसे सामना और मुझे क्यों बुला रही है? मुझे घायल करके ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं रानी परी, क्योंकि घायल शेरनी और भी ज्यादा खतरनाक होती। ये भयानक लोग है रानी परी, यहाँ तुम्हारा नहीं सिर्फ मेरा राज चलता है। भयंकर परी का राज, सुना तुमने? तुम अपनी मर्जी से यहाँ आ तो गई, मगर जाओगी मेरी मर्जी से। भयंकर परी, अब तुम्हें अंतिम विदाई देने का वक्त आ गया है। ये महामारक गोला तुम्हारे पापों का अंत करेगा। और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का पुतला बना देगा। रानी परी, ये महामारक गोला तुम तभी चला पाओगी जब मेरी असली छवि को पहचान पाओगी। याद है ना तुम्हें रानी परी, जब मैं भली परी थी और तुम बहुरूपी परी, तब हमारे बीच दोस्ती हुआ करती थी। तब यही कला तुमने ही मुझे सिखाई थी। इस कला को मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। रानी परी, ये महामारक गोला तुम केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हो। अगर तुमने मेरी असली छवि ढूंढकर उस पे गोले को फेंक दिया तो मैं पत्थर बन जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम पत्थर बन जाओगी। रानी परी, तुमने ये कला मुझे सिखा तो दी, मगर तुम खुद उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई। अब लगाओ निशाना, लेकिन जरा सोच समझ के लगाना। तुम्हारे सामने एक नहीं अनेक भयंकर परियां हैं।
कहीं ये वार तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वार ना बन जाए। नहीं हैरानी परी, आज तुम मेरे असली रूप को नहीं पहचान सकती। बताओ कौन सी असली है, लेकिन जरा सोच समझ के बताना, कहीं ये गलत जवाब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जवाब ना बन जाए। हे रानी परी, टूट जाए भयंकर परी के पापों का घड़ा, बना दे मुझे तू जितना बड़ा। हो सकता है बाबू इतना बड़ा और मैं इतना छोटा। चल ना पाए कोई माया, दिखाई दे असली की छाया। रानी परी वो देखिए, भयंकर परी की असली छाया, वही असली है और बाकी सब भ्रम है, और भ्रम की कभी परछाई नहीं होती। शाबाश बालवीर। शुक्रिया रानी परी। भयंकर परी, अब तुम्हारे भयानक लोक की भयानक जहरीली दीमक तुम्हें धीरे धीरे मिट्टी में मिला देगी। चलो बालवीर, आज फिर से बुराई के सामने अच्छाई की जीत हुई। अरे मयूर कहाँ है? क्या काम है? क्या काम है मतलब, कुछ काम है तो ही मैं उसको बुला सकता हूँ, बिना काम के नहीं बुला सकता। बुला सकते? बुला क्यों नहीं सकते? वैसे क्या काम है आपको मयूर से? ये मेरी फाउंटेन पेन सूख गई है, उसके पास उसकी स्याही होगी ना? वो स्याही? हाँ। इंक? हाँ। ब्लू कलर की? अरे हाँ भाई हाँ। वो स्याही तो मयूर ने गिरा दी थी। गिरा दी? हाँ, वो भी आपके चोपड़े पर। चोपड़े पर? अरे उसमें सारा हिसाब किताब था। बाय। तू मुझे ना छोटे छोटे झटके मत दे, एक साथ बड़ा झटका दे दे। दादाजी आप घबराइए मत, बालवीर ने आके सारा हिसाब फिर से कर दिया था। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। बालवीर से कहना मेरा रोज का हिसाब कर दे। दादाजी बालवीर सुपर हीरो है, वैसे छोटी मोटी काम करने नहीं आता, और वैसे भी बच्चों को बचाने वाला बालवीर है। बी बी बी।
बी बी बी, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि बड़ों को बचाने वाला बालवीर। खैर जाने दे, वो मेहर के पास से मैं वो शाही लेके आता हूँ। क्या दादाजी, बस क्या, मैं कब कम आऊंगा। वाह, हाँ बेटा बड़ा तेजी में है। दादाजी आप वही पहन लेने जाते, फिर झुकते और गलती से अटक जाते, तो आज मैंने टाइम ही सेव कर लिया। वाह बेटा क्या बात है, गुड, वेरी गुड। हाँ मेहर, बेटा मेहर कहाँ है? क्यों दादी, क्या काम है? क्यों, काम के बिना उसे मिल नहीं सकती? मिल सकती है, मिल क्यों नहीं सकती? वैसे क्या काम है आपको मेहर से? मुझे मेहर की किताब से पन्ना चाहिए, वो सामान की लिस्ट बनानी है ना इसलिए। दादी क्या हुआ? लिस्ट बनाने के लिए पन्ना? हाँ आप इधर आइए। क्यों, बैठिए समझा दो आपको। दादी आप लिस्ट बनाने के लिए नोटबुक का पन्ना खराब करेंगी? खराब नहीं करूंगी, यूज करूंगी। यूज नहीं, मिस यूज बोलो। हाँ वो वही, सेम टू सेम। दादी जी यूज और मिस यूज सेम टू सेम नहीं है। अच्छा वो कैसे? मिस यूज मतलब गलत इस्तेमाल। नोटबुक का पन्ना होमवर्क करने के लिए होता है, सामान के लिस्ट बनाने के लिए नहीं। आप अपनी सामान के लिस्ट बनाने के लिए पुराना न्यूज़पेपर यूज कीजिए। हाँ पर न्यूज़पेपर पर तो पहले से लिखा हुआ है, उस पर मैं कैसे लिखूंगी? दादी न्यूज़पेपर पर ब्लैक इंक से लिखा होता है, आप उस पर रेड इंक से लिखिए, सिंपल। हाँ हाँ, हाँ सिंपल। बहुत होशियार हो गया है मेरा बेटा। थैंक यू बेटा। मेहर, हमा मेहर कहाँ है? क्या बात है, आज सब मेहर को ही पूछ रहे हैं। मैंने मेहर का फेवरेट डोसा बनाया है, मैं उसे अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। जब देखो माँ अब मेहर को हर चीज पहले दे देती हो, कभी तो अपने इस बेटे के बारे में सोचा करो। अरे मेरा बच्चा, अच्छा बाबा पहले तू खा ले, मेहर के लिए मैं दूसरा बना देती हूँ। मानव मेहर और बल्लू कहाँ है? ये देखो मैं बल्लू के लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म लेके आया हूँ, पहले इनसे मिलो। ये है कौस्तुभ अंकल। हेलो बेटे। कौस्तुभ त्रिवेदी, इन्होंने पार्ट टाइम फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया है, और हमारा सात सच्चों का परिवार है ना, उसका एक फैमिली फोटो खींच के उसका शुभारंभ करना चाहते हैं। जाओ मेहर को बोलो फटाफट तैयार होके बाहर आ जाए। नहीं पापा मेहर नहीं आएगी। मतलब क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी, हटो। नहीं पापा हटो, कहा ना हटो हटो, जाने दो मुझे, हटो। मेहर बेटा। पापा मैं रेडी हूँ। बेटा जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। हाँ कौस्तुभ अंकल है ना, वो हमारी फैमिली की फोटो खींचना चाहते हैं। जी पापा। अरे बल्लू कहाँ है? बल्लू बल्लू मेहर बेटा, ये बल्लू की स्कूल यूनिफॉर्म है, उसे दे देना। हाँ ओके पापा। मानो तूने क्यों कहा कि मेहर नहीं आएगी? नहीं वो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। महेश जाने देना, बच्चे हैं, इनके मूड का कोई ठिकाना नहीं रहता। मेरे वाला चिंपू के किस्से सुनेगा ना तो तू अपने बच्चों को डांटना बंद कर देगा। चल अभी चल, आ जा मेरा, चल। हाँ। नटखट परी। नहीं माना मैं मेहर हूँ, ये कैसे हो सकता है? तुम मेहर नहीं हो, तुम नटखट परी हो।
मानव, मेहर बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये तुम्हारी बहन मेहर ही है। मेरा दिमाग चक्कर खा रहे हैं, ये सब क्या चक्कर है नटखट परी? बालवीर तुम चिंता मत करो, मैं एक जादू करूंगी जिसके बाद मैं, मानव और पृथ्वीलोक के सारे बच्चों को भयंकर परी का बुरा अनुभव और परीलोक जरा भी याद नहीं रहेगा। अरे वाह रानी परी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे सारे बच्चे पृथ्वीलोक के बाकी बच्चों की तरह अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाएंगे। हाँ, उन्हें लगेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। भविष्य में कोई भी कड़वी यादें उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। चलो डूबा डूबा, पृथ्वी लोक से हमारे जाने का समय हो गया है, चलो नटखटपुरी। मैं तू यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? पापा के दोस्त है ये, अपनी फैमिली फोटो खींचने। अच्छा, हाँ तुझे तैयार नहीं होना क्या? अरे पहले अपनी ड्रेस तो देख, मुझे बोल रहा है, पहले तू तैयार हो जा ना। मेरा क्या है, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। अच्छा तू 2 मिनट में हो जाएगा तो मैं 1 मिनट में हो जाऊंगी। ए ए नहर की बच्ची डाल डाल कच्ची, मानव का बच्चा डाल डाल कच्चा। गांव में 2 कुएं तेरे सर में जुए, गांव में 2 ककड़ी मानव सुखी लकड़ी। देख मैं गांव में 4 पाई बंद करो लड़ाई, गांव में 4 पाई हो गई बंद लड़ाई। बालवीर अब तुम्हें पृथ्वी लोक जाना चाहिए। रानी परी, बालवीर अभी अभी तो आया है, कुछ दिन यहां रहने दीजिए ना। बाल परी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन बालवीर का जन्म सिर्फ एक मां को खुशी देने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी लोक के बच्चों में खुशियां बांटने के लिए हुआ है। क्योंकि अगर बच्चे खुश रहेंगे तो उनके माता पिता भी खुश रहेंगे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो सभी लोग, खुश रहो। बालवीर, इटली मिटली उड़ गई तितली। अच्छा मैं चलता हूं। खुश रहो सब लोग, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।